लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने उन बच्चों को आश्वस्त करने के लिए उसी समय पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा कि मैं इन्हें भेज रही हूँ, तुम इन्हें संतुष्ट करके भेजो। मुझे खुशी है कि वो पुलिस कमिश्नर के बात से संतुष्ट होकर आए, लेकिन कई बार जो सुर मुझे सुनाई पड़ते हैं वो सुर बहुत चिंताजनक है। कई बार एक सुर आता है असम समझौते पर पुनर्विचार होना चाहिए, कभी सुर आता है बोडो ट्राइबल काउंसिल में आरक्षित सीटों में कमी कर देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम समय की नजाकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम क्षेत्र है और वहां इंसर्जेंसी है, और मैं कहना चाहती हूं सरकार से कि वो इस बात को भी ना भूलें कि भूमिगत संगठनों से सरकार शांति वार्ता कर रही है। उनमें से कुछ संगठन ऐसे हैं जहां आपकी वार्ता पूर्ण होने वाली है। अगर हम इस राह पर चले जो सुर में सुन रही हूं तो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन के माध्यम से केवल दो मांगे करना चाहती हूं, दो अपीलें करना चाहती हूं। पहला तो ये कि केवल मौखिक आश्वासन हम न दें। बेंगलोर में आपने देखा वहां के उप मुख्यमंत्री गृहमंत्री स्वयं पहुंचे रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्होंने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मत छोड़कर जाओ। खाने तक का इंतजाम किया, मीटिंग बुलाई बेंगलोर के मुख्यमंत्री ने, दोनों तरह के प्रतिनिधियों की बुलाई, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुला करके कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ वहां भी केवल मौखिक आश्वासन ना दे। जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे भाजपा की चाहे केंद्र की, और केंद्र सरकार भी, हेल्पलाइंस बनाओ। नंबर दो, उन्हें जहां वो रहते हैं उनके इलाकों में पुलिस बल स्थापित करो, पुलिस पेट्रोलिंग कराओ। उन्हें ये आश्वासन मिलना चाहिए कि ये लोग खड़े हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे, ये मेरी पहली मांग है। गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं, जब तक आप हेल्पलाइन बना करके बच्चों को नंबर नहीं देंगे तब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे। उनके हॉस्टल जहां वो रहते हैं, मॉल्स, खासतौर पर मॉल्स में इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, उन मॉल्स के पास उस जगह पर पुलिस बल खड़े करो, ये मेरी पहली मांग है। और दूसरी मेरी मांग है इस सदन से कि ये सदन सुर में सुर मिलाकर आज एक बात कहे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों, तुम हमारे भाई बहन हो, ये देश तुम्हारा है, तुम इस देश के हो, तुम जहां चाहो पढ़ो, तुम जहां चाहो पढ़ो, तुम जहां चाहो रहो, कोई तुम्हें असुरक्षित नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है, देशवासी तुम्हारे साथ है, हम सुरक्षा करेंगे, ये सदन सुरक्षा करेगा, सरकारें सुरक्षा करेंगी, इस देश का हर वासी तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये सुर आज इस सदन से जाना चाहिए, ये मेरी आशा।